नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। कुशवेश्वर स्थान विधानसभा सीट की लड़ाई दिलचस्प सी हो गई है। जेडीयू की इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार राख रखना चाहती है, तो विपक्ष ने भी पूरी जोर लगा रखी है। सभी दलों के दिग्गज प्रचार में उतर चुके हैं। जेडीयू नेता और राज्य के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कुशवेश्वर स्थान जाकर चुनाव प्रचार किया। जेडीयू नेता और बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा का काफिला निकल पड़ा है। मंजिल है कुशेश्वर स्थान। वहीं कुशेश्वर स्थान जहां चुनावी रण छिड़ चुका है, यहां ग्रामीणों की भीड़ पहले से जमा है। इसे नुक्कड़ सभा कहते हैं। संजय झा का पारंपरिक तरीके से स्वागत होता है और नारे गूंज उठते हैं। संजय झा यहां अपने लहजे में ग्रामीणों से संवाद करते हैं और जेडीयू उम्मीदवार अमन भूषण हजारी को वोट देने की अपील करते हैं। चुनाव हेतु हमर सबके प्रत्याशी छथि अमन भूषण हजारी। 5 साल ले चुनकर शशि भूषण हजारी के अहां सब पठेने रही और हुनकर देहांत भ गेल। क्या ठाम हम देखलिए हम आरजेडी के अथी जे केओ मुख्यमंत्री बने के इच्छा रहा, ईमानदारी से बतबियो, कहियो ई चाहबे जे हमर मुख्यमंत्री बेईमान हुए, केओ चाहते हमर मुख्यमंत्री झूठ बाजे। नीतीश कुमार 16 साल से बिहार का मुख्यमंत्री छथिन, कम से कम हुनका देख के मुख्यमंत्रिये के चेहरा में लोग कोई राज्य के चेहरा देखे। मुख्यमंत्री गड़बड़, मुख्यमंत्री चोर, मुख्यमंत्री बेईमान, लोग के लगे सब बिहारी अहिना है। आ मुख्यमंत्री ईमानदार, मुख्यमंत्री काज करे वाला, तो लगे कि नहीं बिहार के लोग एहन सोचता था बिहार के बारे में और अब क्या सोचता है बिहार के बारे में। आप ईमानदारी की बात है, हम बोल के चले जाएंगे तो काहे विश्वास कीजिए। 17 नंबर से जो अबे इस सहरसा जाए में कते काल लगे छे, सबका नाता रिश्ता रहे। अब दूसरी नुक्कड़ सभा शुरू होती है। यहाँ का नजारा थोड़ा अलग है। यहाँ भी पारंपरिक तरीके से स्वागत होता है। जी मीडिया के साथ खास बातचीत में संजय झा दावा करते हैं कि एनडीए के पक्ष में लहर है। वो कहते हैं दरभंगा कुशेश्वर स्थान सड़क बन जाने से दूरी कम हुई है। दरभंगा एयरपोर्ट बना, आने वाले समय में दरभंगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। आरजेडी के शासन काल में क्या काम हुआ ये भी सबने देखा है। जेडीयू नेता संजय झा अपने उम्मीदवार के पक्ष में छोटी छोटी सभा भी कर रहे हैं और घर घर जाकर जनसंपर्क भी कर रहे हैं, अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं। उनसे जानते हैं कि क्या 30 तारीख को चुनाव है, क्या उम्मीद है और जेडीयू को लेकर के एनडीए के जो उम्मीदवार हैं अमन भूषण हजारी, उनको लेकर के लोगों का क्या रिस्पांस है, इस पर बात करते हैं। क्या 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 लग रहा है संजय जी, आप लोग आप जनसंपर्क भी कर रहे हैं, छोटी छोटी सभाओं में भी जा रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है? यहाँ तो बहुत बहुत भारी समर्थन है एनडीए के पक्ष में और इतनी बड़ी संख्या में लोग, अब तो और मोमेंटम बनता जा रहा है जो हम देख रहे हैं। और खास करके मेरे लिए भी सुखद आश्चर्य है कि अब कम से कम इतना अवेयरनेस लोगों में है कि लोग डेवलपमेंट और काम पर वोट देते हैं। जिस क्षेत्र में आप वोट घूम रहे हैं, मैं देखा जो कुछ विपक्ष के नेता आए हैं और वीडियो बना बना कर चला रहे हैं, जरा उनसे पूछिएगा जरूर, ये भी तो एक बार लोगों से वीडियो बनाकर पूछ ले। जब सरकार चला रहे थे
इसी कुशेश्वर स्थान से दरभंगा जाने में, पटना जाने में कितना टाइम लगता था, अब आप बैठिए लैपटॉप लेके, मोबाइल लेके गाड़ी में, तो कहीं आपको जर्क नहीं मिलेगा इस मेन रोड पर। इंटरनल रोड गांव का है, इसकी बनावट ऐसी है कि यहाँ चार महीना पांच महीना पानी रहता है, क्योंकि सब नदी का फाइनली यहीं आकर कुशेश्वर के पास रुकता है और आगे फिर जाता है, चाहे कमला हो, करे हो, कोसी हो, सारा नदी है, आज का नहीं है, उसका भी निदान हम लोग कर रहे हैं। तो वही सवाल था मेरा कि बाढ़ ग्रस्त इलाका है, उसको हर साल बाढ़ आती है यहाँ पर, उसके एक सवाल है कि उसके निदान के लिए क्या आप लोगों ने किया है अभी तक, ये लोगों का भी सवाल है, आम जनता भी पूछ रही है। देखिए धीरज जी, ये एक लार्जर विषय है, ये सिर्फ इसको कुशेश्वर स्थान तक मत देखिए। मैं कितनी बार ये बात बोल चुका हूँ कि बाढ़ का सारा नदी का उद्गम, जो भी नदी यहाँ आती है, सब नदी का उद्गम बात वहीं चली जाएगी, नेपाल में है, और इंटरनेशनल ट्रीटी के साथ वहाँ हाईडैम बनना है, बहुत प्रोग्रेस उसमें नहीं है, लेकिन बिहार के अंदर जो काम करना है इसको लेकर के, उसको लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। और इसी बार जून से जो बारिश शुरू हुई, आज तीन दिन पहले आते यहाँ पर, तो आपको दो दिन इतना जम के बारिश यहाँ पर हुआ है, तो जरूर डिपार्टमेंट और सरकार ने काम किया होगा, तभी जा करके इस चार पांच महीने में, ये बात नहीं आती है कि काम हुआ तभी इस बार बाढ़ में आपको कहीं कोई मेजर घटना नहीं दिखाई पड़ा। और इस क्षेत्र में भी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का या सरकार का ऐसा था कि कोई मेजर घटना यहाँ पर, जितनी बारिश हुई और जितना यहाँ वाटर लॉगिंग था, जितना पानी था यहाँ पर, तो वो एक समस्या रहता है यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म है, एक लॉन्ग टर्म है। तो लॉन्ग टर्म तो जो मैंने कहा कि नेपाल, उससे बातचीत करके हम लोग कुछ ना कुछ उस पर प्रोग्रेस, भारत सरकार भी कर रही है उस पर काम, लेकिन शॉर्ट टर्म में यहाँ पर जो वाटर लॉगिंग होता है उसको कैसे उस पर भी काम शुरू हो गया है। और हम लोगों ने कहा है कि कुशेश्वर में अगले साल तक जो 4 किलोमीटर अगर उसको बांध देंगे फुहिया के पास, तो वो बैक वाटर इधर नहीं आएगा, उस पर ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। जेडीयू का हमेशा जीतती रही है इस सीट पर, तारापुर में भी जीतती रही है, इस बार आप लोग किस बात का लेकर के टक्कर देख रहे हैं, क्योंकि जो विपक्षी हैं वो लगातार डेवलपमेंट को लेकर के, विकास के मुद्दे को लेकर के, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के, महंगाई के मुद्दे को लेकर के लगातार सवाल उठा रहे हैं। देखिए डेवलपमेंट को लेकर के जब विपक्ष मुद्दा उठाता है, तो वो उठाने का अधिकार उन लोगों का है जो जिनको मौका मिला, तो थोड़ा वो भी एक्सप्लेन करना चाहिए। हम लोग तो कर ही रहे हैं, हम तो बोलते हैं कि भाई 17 नंबर रोड बना, तो आज सहरसा से लोग सीधा दरभंगा एयरपोर्ट पहुंच जाता है, आज दरभंगा एयरपोर्ट से कितना फ्लाइट उड़ता है, कितने लोग उड़ के जाते हैं, ये तो आप ही करते हैं। और अभी बिहार सरकार ने 336 करोड़ रुपया दिया है 78 एकड़ जमीन के लिए दरभंगा एयरपोर्ट पर, लैंड एक्विजिशन के लिए, जो वहां लैंड एक्विजिशन किया जाएगा और नाइट लैंडिंग भी होगा, इंटरनेशनल फ्लाइट भी चलेगा, कस्टम का भी सुविधा वहां पर होगा, और आज उत्तर बिहार के जितने लोग हैं, पूर्णिया से लेकर सब जगह के, सबको आज दरभंगा एयरपोर्ट से लोग कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। और इसके सिर्फ इस ये नहीं है कि सिर्फ जो लोग उड़ेंगे, ये है जो कमर्शियल एक्टिविटी है, जो यहाँ से कार्गो शिपमेंट है, कल को कोई मखाना का यहाँ ब्रांड, यहीं का प्रोडक्ट है मखाना, ये भी वहाँ से जाएगा, कल को कोई बीमार पड़ता है तो उसके लिए जो एयर एम्बुलेंस है, सारा सुविधा। इसीलिए 78 एकड़ जमीन, 336 करोड़ रुपया बिहार सरकार ने कैबिनेट से पास करके दे दिया और लैंड एक्विजिशन का काम शुरू हो गया, अगले साल मार्च तक पूरा हो जाएगा लैंड एक्विजिशन और बिल्डिंग बनना शुरू हो जाएगा। 2 साल में 2.5 साल में एक इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट दरभंगा में बन जाएगा। अब ये काम कैसे हो रहा है, अगर ये कनेक्टिविटी हो रहा, मैंने बताया आपको 17 नंबर रोड, प्लीज मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, जरूर लोगों से पूछिए कि जब सहरसा बलुआहा घाट से लोग पहले कैसे जाते थे, कितना टाइम लगता था, और अब जाने में कितना टाइम लगता है, कुशेश्वर स्थान से पहले जाते तो कितना लगता था, एनडीए सरकार में जब आई तब कितना लगता है। रही बाढ़ की समस्या का बात, उसको मैंने बताया लॉन्ग टर्म पर तो हम लोग पुश कर रहे हैं नेपाल से, शॉर्ट टर्म जो है या नया टेक्नोलॉजी को यूज करके, जो या मुख्यमंत्री जी कहना है कि जो इंटरनल रिवर है बिहार का
उसको इंटरलिंक कीजिए, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन आरजेडी कांग्रेस सारे लोग अलग अलग लड़ रहे हैं। पप्पू यादव ने तो समर्थन भी कहा है देंगे, कांग्रेस के अध्यक्ष ने चिट्ठी भी लिखी है, तो उससे कितना फर्क पड़ेगा, कितना डैमेज होगा? नहीं, हमको नहीं लगता, पिछली बार भी सब लोग लड़ ही रहे थे ये लोग, और मुझे लगता है कि टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है। आप कैंडिडेट का आप प्रोफाइल देखिएगा तो आपको थोड़ा, या जो भी हो, लेकिन हमको नहीं लगता है कि कोई ट्रैक्शन लोगों में, भाई लोगों में आप जो कहते हैं तो लोग कैसे उसको रिसीव करता है। आप बोलते हैं बेरोजगारी पर, आप बोलते हैं डेवलपमेंट पर, तो जो लोग जो बोल रहे हैं वो खुद उनको समझ है कि नहीं जो बोल रहे हैं, या उनका पुराना इतिहास कैसा है, उनका रिकॉर्ड कैसा है, पब्लिक नहीं समझ रही है? जानती है ना भाई आपका ट्रैक रिकॉर्ड, इतिहास क्या है आपका? तो आप कोई जाकर के बोलिएगा, वो नहीं जाएगा ना, सिर के ऊपर से चला जाएगा, अभी तक जा रहा है, आगे भी ऐसे ही जाएगा। उनको बनना है तो 2025 में फिर आकर के लोगों को बोलेंगे, 2025 तक कोई वैकेंसी नहीं है बिहार। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस और आरजेडी के अलग लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2025 तक सीएम पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। लालू प्रसाद यादव के चुनाव प्रचार में उतरने के सवाल पर वो कहते हैं कि 2010 में लालू यादव ने प्रचार किया था, लेकिन विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं रहे थे। उनके प्रचार में आने से एनडीए को ही फायदा होगा। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो कांग्रेस के कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेघवानी ये भी आ चुके हैं बिहार, प्रचार करेंगे कांग्रेस के लिए। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस फिर से है उस स्थिति में? नहीं, कांग्रेस में तो मुझे नहीं लगता है कहीं कुछ है, इस पूरे क्षेत्र में घूम रहा हूँ, कांग्रेस तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है मुझे यहाँ पर। और जो लोग आ रहे हैं तो उनका तो पहले भी यहाँ चुनाव लड़ते रहे, मुझे नहीं लगता कि बहुत कोई उसका वो होगा। इस क्षेत्र में बड़ी बहुत बड़े मार्जिन से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, और लोग यहाँ डेवलपमेंट और काम पर वोट देंगे। यहाँ जो काम हुआ है नीतीश कुमार जी के सरकार में, आप लोगों से पूछिए ना, फ्लड में उनको मदद मिला कि नहीं मिला, उनके अकाउंट में पैसा गया है कि नहीं गया, चेक करके देखिए, बताएंगे लोग कि यहाँ का है कि नहीं, बिजली रहता है कि नहीं रहता है। आप प्लीज, मैं भी कहूँगा कि एक बार जरूर आप कुछ लोगों से भी फीडबैक लीजिए कि यहाँ कनेक्टिविटी इम्प्रूव किया कि नहीं किया, पावर सिचुएशन इम्प्रूव किया कि नहीं किया, अगर बाढ़ आया तो लोगों को मदद मिला कि नहीं मिला, उनके अकाउंट में पैसा गया कि नहीं गया। समस्या बहुत सारी है, लेकिन हम लोग टेकअप कर रहे हैं धीरे धीरे। लालू जी भी आ रहे हैं, ऐसी खबरें हैं कि लालू जी आ रहे हैं कल बिहार, हो सकता है कि चुनाव प्रचार में भी जाएं। 2010 में पूरा बिहार में वो प्रचार कर रहे थे, विपक्ष का नेता बनने के लायक भी पार्टी नहीं बची थी, 22 पे सिमट गया था, यही एनडीए 206 सीट जीता था, याद है ना, तो प्रचार कर ही रहे थे पूरा बिहार में, वो घूमे तो हम लोग को फायदा होगा इससे। तो क्या उम्मीद है आप लोगों को अपने जो कैंडिडेट हैं आप लोगों के, उसको लेकर के कितना अस्वस्थ हैं आप लोग? नहीं, बिल्कुल हम लोग अस्वस्थ हैं, इनके पिताजी 3 बार यहाँ से मिले रहे, क्षेत्र में लोगों का काम करते रहे, बहुत मिलनसार आदमी थे, जहाँ भी मैं जाता हूँ लोग बोलते हैं कि नहीं, बहुत ही विनम्र आदमी थे, और उनके मदर का भी डेथ हो गया 30 दिन के अंदर ही, तो एक तो यंग है तो लोगों को थोड़ा ये मन में कहीं ना कहीं है ही, और मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में, अभी तो पब्लिक वोट देके जिता रही है, 4 साल जैसा काम करेंगे, अगर ठीक काम करेंगे तो आगे फिर पब्लिक मौका देगी। तो ये थे संजय झा, घर घर जनसंपर्क कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं अपने उम्मीदवार के लिए। अब इस सभा पर नजर डालिए, इसमें महिलाओं की भी अच्छी खासी संख्या दिख रही है। संजय झा पुराने दौर में इस इलाके की उपेक्षा और फिर नीतीश सरकार में हुए विकास का जिक्र करते हैं। 2005 में सरकार पहले भारतीय जनता पार्टी का जेडीयू पटना तो दरभंगा में बहुत कम सीट आ गया, जुड़े का सीट आ गया, याद कर रहे थे नवंबर एक दरभंगा शहर आज दोसर क्योंकि अशोक को अशोक यादव भी बन गया, संजय शराब के दरभंगा शहर आप सब सीट 2005 नवंबर में जो सरकार बन गए सब सीट हाइट के बढ़े।
मुख्यमंत्री पूरा बिहार घूमने शुरू कल राइट अहिठाम कमलपुर में हा रुपये पुरान लोग कमलपुर पर रहते मुख्यमंत्री के क्षेत्र समस्या राजगीर वहां के कतौ जैसी जय श्री राधे कहे तो जय श्री राधे ऊपर वाला का हाथ में से अहा का सभा स्थल के पास लाउड स्पीकर से चुनाव प्रचार की गूंज सुनाई देती है। इस सभा के साथ संजय झा आज के प्रचार को यही विराम देते हैं। ये सीट जेडीयू के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है, क्योंकि जेडीयू विधायक के देहांत की वजह से ही उपचुनाव हो रहा है और विरोधी दलों ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। वही एनडीए को उम्मीद है कि मंत्रियों के जनसंपर्क करने से फायदा जरूर मिलेगा। कुशेश्वर स्थान से धीरज ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।